कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा इंद्री के एक निजी पैलेस में जिला स्तरीय किसान मेले का आयोजन किया गया। इस किसान मेले में इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की तथा उपायुक्त निशांत कुमार यादव वशिष्ठ अतिथि के तौर पर शामिल रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप निदेशक कृषि डॉक्टर आदित्य प्रताप डबास ने की। इस मौके पर विधायक राम कुमार कश्यप ने कहा कि इंद्री क्षेत्र में इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करके यहां के किसानों को कृषि संबंधी नई नई तकनीक के बारे में जानकारी देने का जो प्रयास किया जा रहा है वह सराहनीय है। नई तकनीक का इस्तेमाल करने से किसानों को कम लागत में अधिक उत्पादन के साथ साथ उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हमें पानी की बड़ी समस्या हो सकती है, इसलिए अभी से ही हमें पानी बचाने की ओर विशेष ध्यान देना होगा। पानी बचाने के लिए हमें अपनी फसलों में फुवारा तथा ड्रिप सिंचाई का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें ना केवल पानी की बचत होती है बल्कि बिजली एवं समय की भी बचत होती है। इस योजना को अपनाने के लिए सरकार की ओर से अनुदान भी दिया जाता है। इस अवसर पर उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि पराली को जलाने की वजह से करनाल जिला प्रदेश में चर्चित रहा है। पराली की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किसानों के हित में अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। कृषि अधिकारी इन योजनाओं का गाँव गाँव पहुंचकर व्यापक प्रचार प्रसार करें। इंद्री से संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। ये आज एक प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली बताया गया कि किस किस योजना को अपना करके किसान जो है अपनी आमदन को बढ़ा सकता है, आमदन को बढ़ाने के साथ साथ देश को आगे ले जाने में अपना अहम योगदान निभा सकता है। अब देखिएगा, ये साथ में अगर देखें लेफ्ट साइड में उपकरण जो मतलब खेती में काम आने वाले हैं, इन उपकरणों की अपना करके इन पर सब्सिडी भी है, तो किसान जो है बहुत ही आसानी से अपनी खेती को पैदावार लेकर करके पैदावार बढ़ा सकता है। तो ये आज का मेन अक्षर था। बाकी कितना फ़ायदा होगा, ये फायदा तो किसान जो भाई लोग आए हैं जो इस तकनीक को अपनाएंगे, इस इनकी बात मानेंगे, उनको फ़ायदा होगा। जो भाई इस बात को मानने वाले नहीं है, फिर जैसे चल रहा है तो वैसे होता रहेगा। बात तो ये है मेन। दिल्ली में जो किसान मेला था, इसमें जो हमारे कृषि विभाग के, बागवानी विभाग के और पशुपालन विभाग के जितनी भी स्कीम और उपकरण हैं, उनकी सबको जानकारी दी गई। जो फसल अवशेष प्रबंधन है उसके बारे में सबको बताया गया, और जितने भी हमारे नए इक्विपमेंट्स हैं जिन पे सरकार की भिन्न भिन्न सब्सिडीज हैं उनके बारे में सबको बताया गया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारी स्टबल बर्निंग वाली जो पराली जलाने वाली समस्या थी उससे भी निजात मिलेगी, और जो नए उपकरण आए हैं इनसे हमारी खेतों की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। देखिए, इस तरह के किसान मेले जो हैं हम प्रत्येक वर्ष दोनों सीजनों में हम करते रहते हैं, जिसमें हमारा उद्देश्य होता है कि एक ही मंच पर सभी तरह के जो किसान हैं, चाहे वो फिशरीज़ का किसान है, हॉर्टिकल्चर का किसान है, एनिमल हस्बेंड्री का किसान है, सभी तरह की खेती के जो योजनाएं हैं उनको एक जगह पर किसानों को इसका फ़ायदा हो सके, इसके लिए विषय विशेषज्ञ चाहे वो कृषि विभाग से आएँ। और आज विशेष तौर पर हमने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से भी, वहाँ के रजिस्ट्रार महोदय हमारे बीच में आए हुए थे, उन्होंने भी जो कृषि विश्वविद्यालय नई नई योजनाएँ चला रहा है, चाहे वो विज्ञान में नई टेक्नोलॉजी की बात है या कोई नई वेराइटी निकालने की बात है या ऑर्गेनिक के बारे में बात है, उन सभी तरह की स्कीमों के बारे में इस मेले के माध्यम से किसानों को बताया गया। और दूसरा, जो उपकरणों को भी हमें प्रदर्शित किया गया कि जैसे अभी आने वाले सीजन में पराली की एक समस्या पीछे समस्या थी, अब गेहूं के बाद जो अवशेषों को फिर से एक समस्या उत्पन्न होगी कि उनको किसान, कुछ किसान आग के हवाले कर देते हैं, उनके समाधान के लिए सरकार क्या योजनाएं लेके आ रही हैं, कौन कौन से यंत्र उनमें प्रयोग होंगे, उन सब का प्रदर्शन किया गया। और किसानों से ये आह्वान किया गया कि वो इस वर्ष पराली और जो गेहूं के हमारे अवशेष हैं उनको आग के हवाले नहीं करेंगे। और दूसरी भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जिन योजनाओं में गाँव के किसानों के वंचित रह जाते थे, उनके बारे में भी सभी विभागों ने आकर के विस्तार से किसानों को जानकारी दी। तो ऐसे मेलों से, आयोजन से जो सरकार की योजनाएं हैं वो जन जन तक किसान के साथ में पहुँचने का कार्य करती हैं। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।